लिखो क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। आकार है, लिखते चलना साथ साथ। व्हील्स, विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका? 80 सेंटीमीटर का है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज इच विल डज इच विल मेक इन 10 मिनट्स, मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तुमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताना है जब एक कार का व्हील का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इट विल मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान है, सोचो और बनाओ। क्या बना बना किसी का।
नहीं बना, हर्ष, ओंकार, राज कौशल, अरे हाँ या ना बोलो, कुछ तो बोलो। सर नहीं बन रहा सर, प्रोसेसिंग में नहीं रुक बन जाइए। रहा, जिससे बन रहा है बनाओ। क्यों नहीं बन रहा है भाई, इसमें क्या निकालना है? हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इस विल मेक इन 10 मिनट? तो तुम 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये नहीं निकल जाएगा? बताओ। अरे 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नहीं निकाल लोगे? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, कितना? साठ यस किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में जितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो क्या? दोनों फॉर्मूला लिखाए थे ना हम लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? सर सब डिस्टेंस नारायण कवर्ड बाय बस कुछ। सरकमफेरेंस। तो बस यही करना है इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। बनाओ इस क्वेश्चन को, डिस्टेंस कवर्ड निकालो। 1 घंटे में 10 मिनट में कितना करेगा? क्या नालायक है जी तुम लोग, बहुत मार मारेंगे इस क्वेश्चन नहीं बनाते हो। बनाओ जल्दी, फिर से मौका दे रहे हैं। सर 4375 4-3। हाँ 4-3-7 सेवन है, फाइव बढ़िया। रिवॉल्यूशंस। 4-3-7-5। कितने व्हील का? एक व्हील का आएगा या चारों व्हील का इतना रेवोल्यूशन आएगा? एक व्हील का इतना आएगा ना, इच व्हील वेक 400, 4375 रेवोल्यूशन। ठीक है, किसी को दुविधा है इसमें तो बताओ, यस सर किसी को दुविधा कोई है, डाउट? क्या दुविधा है बताओ, नहीं बना। बताओ नालायक। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताओ पहले। ये भी, ये थोड़े बना या ये भी नहीं बन पाया? नहीं वही तो यही नहीं दुविधा बन है। पाया? अरे नहीं गधा, नालायक, बुड़बक। तुम 1 घंटे में 100, एक एक घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? डिस्कनेक्ट हो गया था अभी।
हेलो आ रहा है आवाज? सर हेलो ठीक है, तो इसमें भी वही कर लो, 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा वो निकालो। तो देखो 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 60 किलोमीटर कवर हो रहा है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर को चेंज कर लेना सेंटीमीटर में करना है तो, या अभी ऐसे ही रहने दो। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? ये तो आसान था भाई मेरे, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस बताओ? 1 मिनट में कितना? एक एक किलोमीटर किलोमीटर नहीं, एक 60 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ना, कितना डालें? अरे बुड़वा हर्षदीप, कहाँ से बनाया जी तुम ये क्वेश्चन? हम यहाँ 60 लिख के बनाया, तुम 66 का आंसर दे दिया। हर्ष दीप भाग गया वो। यस चलो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है और जो तुम आंसर दिया वो 66 किलोमीटर पर आवर वाला था। कहाँ से छाप के बताया है? तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? जल्दी बताओ, भी अभी नहीं पता है? ए भगवान, क्या होगा तुम लोग का? 10 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? नलायको, सर, एक के कैसा बाद है जी? एक 10 किलोमीटर में कितना एक के सेंटीमीटर? बाद हमको इसका छह जवाब दो। जीरो 1 के बाद 6-0 0 इतना सेंटीमीटर। तो कार 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालो, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तुम लोग बहुत हालत खराब है भाई, यूनिट चेंज करने नहीं आ रहा है तुम सबको, 10 में चला गया है, 9 तक बस मस्ती मजाक किया है क्या? इतना डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर है। पाई आर, 2 पाई आर कर लेना, 2 × 22/7 × 80, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ये हर्षदीप कहीं कहीं से छाप लिया लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो जो आंसर दिया है 66 किलोमीटर पर आवर तो ये नंबर है। तुम्हारा खोजने के बाद आवाज नहीं आ रहा ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी बेस पे हम फिर से दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज रहेगा। अभी तक तुम लोग नहीं देख करके आया यूनिट चेंज करना, लास्ट क्लास में भी ये चीज हम बोले थे, बहुत खराब स्थिति है। फिर नेक्स्ट लिखो। अब बॉय इट्स साइकिलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ साइकिल अभी किसका माइक कौन है? अ बॉय इज साइकिलिंग सच दैट द व्हील ऑफ साइकिल आर मेकिंग 140 revolutions per minute if the diameter of the wheel if the diameter of the wheel
it's 60 centimeter. Calculate the speed per hour. Calculate the speed per hour. No. हो गया बात, वो दूसरे नंबर से किए थे, उनका फोन ऑफ हो गया। इन सब क्वेश्चन पे ही तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। जो हम सेक्टर सेगमेंट का क्वेश्चन कराएंगे ना, वो बहुत ही आसान होता है। हम उसमें कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन मार्क भी करा देंगे कि ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। लेकिन अब तक जो एरिया ऑफ सर्कल तुम लोग पढ़ा है, इसके क्वेश्चन में फंसते हो तुम लोग। और जो आज दिख रहा है तुम लोग को, मैक्सिमम को ये नहीं पता है लिंक, ये क्या बोलते हैं, यूनिट चेंज करने नहीं आ रहा है, तो बहुत बुरी बात है। यूनिट चेंज करना, तुम लोग एट में ही सीखते हो, यूनिट चेंज करना यार गजब हालत है। वो भी सिखा दे क्या, तो बनाओ। बता दे कुछ या कर लोगे, हिंट दे थोड़ा, बोलो। पहले तो देख लो इसमें एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालो, एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल लो, ठीक है। तो एक मिनट में 140 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकल जाएगा ना। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन निकल जाएगा, फिर वहां से डिस्टेंस कवर्ड इन 140 रेवोल्यूशन निकाल लेना। तो 140 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो निकाल लेना, तुमको पता चल जाएगा कि एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्योंकि एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है बाइसिकल, 140 रेवोल्यूशन कर रहा है ना। तो तुम को क्या करना है, बस वही
तुमको करना क्या है, 140 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो निकाल लो, तो तुमको पता चल जाएगा कि एक मिनट में साइकिल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब एक मिनट में कितना कर रहा है, फिर वहां से स्पीड निकाल लेना, काम खत्म, करके देखो। एक मिनट का निकाल लेना, एक मिनट का निकल जाएगा तो बस बन जाएगा ये क्वेश्चन। पर आवर में निकालना है, तो पर आवर में निकालना होता है तो डिस्टेंस किस में रखते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में? सर किलोमीटर, किलोमीटर में कर लेना। किलोमीटर में कर लो, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं भाई मेरे, क्वेश्चन पढ़ के तुमको सोचना होता है बस क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलो इतना कर लोगे तो हम असाइनमेंट आज भेज देंगे, उसको अगले क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो इसको बना लेना, होमवर्क लिख लो इसको, और थोड़ा यूनिट का चेंजेस देख करके आया करो क्लास ज्वाइन करने से पहले। लास्ट क्लास में भी तुम लोग नहीं जवाब दिया था, तो आज देख करके आना चाहिए था ना। चलो सीखो अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर कैसे फॉर्म होता है बताएगा कोई? सेक्टर कैसे डिफाइन करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बताओ। अब भाई सर, दो रेडियस के बीच का जो, दो रेडियस के बीच का रीजन को ही हम लोग सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा, ये जो रीजन आया, इसी को हम लोग सेक्टर डिफाइन करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। किसी को पता है इसका फॉर्मूला, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है? इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। देखो याद कर लो इसका फॉर्मूला कैसे होता है। जब देखो सेंटर पे एंगल 360 डिग्री होता है, देखो इसको कैसे ये फॉर्मूला निकाला गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का एरिया कैसे निकल करके आता है। देखो जब सेंटर पे एंगल 360 होता है, बेसिकली यहाँ पे कोई भी सेक्टर वगैरह नहीं होता है, तो एरिया क्या होता है इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। Yes, sir. तो देखो इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम क्या बोलते हैं उसको, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका एरिया निकाला जाता है। जब एंगल 360 डिग्री है तो एरिया कितना बना, पाई आर स्क्वायर बनता है। तो जब एंगल 1 डिग्री होगा तो एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। अब जब सेक्टर हो रहा है तो डेफिनेटली सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनता है। सेक्टर कैसे फॉर्म करता है, दो रेडियस के बीच में कुछ एंगल होगा, दो रेडियस जाएगा और उसके बीच में कोई एंगल, और उतना सर्कुलर, उतना रीजन को हम लोग सेक्टर डिफाइन करते हैं। तो थीटा एंगल के लिए एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, उसमें से हमारा आवाज ही नहीं आ रहा ठीक से। हाँ जी राज कौशल तुम बोलो, आपको बोलो थीटा नहीं क्या सर, नहीं पता। अरे गधा सर, पूरे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे,
पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस नहीं कर देंगे सर, पूरे सर्कल का एरिया से माइनस सेक्टर का माइनस कर देंगे, यही ना? हाँ, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, जो तुमको याद करना है कर लो, ठीक है? तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यही होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब आते हैं हम लोग, एरिया हो गया, एरिया के बाद सर्कमफ्रेंस पे आते हैं। सर्कम सर तो और से ऊपर कीजिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस लिखो जी, सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलो, माइनर एंड मेजर सेक्टर। देखो एक सर्कल है, जब सेंटर पे 360 डिग्री होता है, जब सेंटर पे 360 होता है तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना बनता है, 2 पाई आर, ठीक है? अब देखो, अब हमको इस सेक्टर का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो एक डिग्री के लिए सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा डिग्री के लिए सर्कमफ्रेंस का एरिया, सर्कमफ्रेंस कितना होगा उस सेक्टर का, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360, 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 360, बस इतना ही होगा या और कुछ करना पड़ेगा, बताओ बताओ, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है? पेरीमीटर बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल के चारों बगल का। तो इस केस में क्या होगा, इतने पे आंसर खत्म या कुछ और करना पड़ेगा, बोलो। बोलो, सोचो, लॉजिक लगाओ ना, क्या करना पड़ेगा, इतने पे हो जाएगा काम हमारा सर्कमफ्रेंस का? हाँ सर, हाँ सर, बाउंड्री मतलब समझते हो, सर्कमफ्रेंस मतलब पता है क्या होता है, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है सर, क्या होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल? अरे नालायक, बाउंड्री क्या करते हो, सर्कमफ्रेंस तुमको निकालने बोलते तो मतलब क्या समझता है ये बताओ ना, बाउंड्री का मेजरमेंट निकालते हो ना? यस सर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ, तुम इतना निकाल के छोड़ देगा या दोनों रेडियस को भी ऐड करेगा? दोनों रेडियस को, बाउंड्री में काउंट नहीं होगा क्या? होगा सर। सेक्टर का सर्कमफ्रेंस कहने का मतलब तुमको इस पूरे का सर्कमफ्रेंस निकालना है ना जी? यस सर। तो तुम लोग 2 रेडियस को काउंट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना करके छोड़ दे रहा है। ये 2 पाई आर थीटा बाय 360 जो निकला, ये तुम्हारा आर्क लेंथ होता है, ये आर्क लेंथ, इतना का लेंथ निकल के आता है जो हम पिंक से कर रहे हैं, ये आर्क लेंथ होता है, ठीक है? तो दो चीज ध्यान में रखना, तुमसे अगर कोई आर्क लेंथ बोलता है तब तुम बोलोगे 2 पाई आर थीटा बाय 360, लेकिन कोई अगर तुमसे इस सेक्टर का पेरीमीटर पूछ देता है या सर्कमफ्रेंस पूछता है तो दोनों रेडियस को भी तुमको ऐड करना है ना,
बिना रेडियस के कैसे तुम पेरीमीटर निकालोगे? तो ये सब तो खुद से सोचना चाहिए ना भाई, गजब नहीं करता है तुम लोग। दोनों रेडियस ऐड करोगे तभी तो तुमको पेरीमीटर का पता चलेगा ना। तो ये सब चीज याद रखो। तो सेक्टर से रिलेटेड तीन चीज तुमको याद रखना है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर आर्क लेंथ तुमसे पूछ लेगा, तब आर्क लेंथ के केस में क्या बोलोगे? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और तुमसे अगर कोई पूछ देता है पेरीमीटर, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, तो क्या लिखोगे? 2 पाई आर थीटा 360 प्लस 2 आर। सर्कमफ्रेंस में क्या लिखेगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2 आर। अब वही तुमसे मेजर सेक्टर के बारे में पूछ देगा, मेजर सेक्टर का आर्क लेंथ कितना होगा? तो मेजर सेक्टर का आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से इस माइनर सेक्टर का आर्क लेंथ माइनस कर देगा, तो मेजर सेक्टर का आर्क लेंथ निकल आएगा। तो मेजर सेक्टर का अगर तुमसे पेरीमीटर पूछा गया तो क्या करोगे? ये मेजर सेक्टर का आर्क लेंथ निकाल के उसमें भी दोनों रेडियस ऐड कर दोगे। क्लियर हो रहा है ये चीज या नहीं हुआ? फिर से बोले। यस सर। ठीक है, तो याद रहेगा। आगे बढ़े या नहीं समझ में आया तो बताओ। मेजर सेक्टर का चीज क्लियर है ना? सर एक बार फिर से। मेजर सेक्टर समझ रहा है तुम? मेजर सेक्टर क्या हुआ? Yes. ये चीज तुमको इसका बाउंड्री निकालना है, तो क्या करोगे? इतना का लेंथ निकालना पड़ेगा ना, ये जंपिंग की है। Yes, ये sir. लेंथ कितना होगा बताओ तुम? ये लेंथ कितना होगा? कितना लेंथ होगा ये? पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा 360। लेंथ बताओ ना कितना होगा, सिर्फ इस लेंथ के बारे में बताओ। सर वो माइनस सेक्टर का सर्कमफेरेंस माइनस कर देंगे। सर्कल के सर्कमफेरेंस में से ये जो माइनर माइनर सेक्टर का आर्क लेंथ था उसको माइनस कर देंगे। क्या करना होगा? सर्कल के सर्कमफेरेंस में से, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस में से क्या करना होगा? अभी हम लिख दे रहे हैं किसका, पहले तो आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर लिख लो। आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा? सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से 2πr में से हम माइनर सेक्टर का आर्क लेंथ माइनस कर देंगे। तो माइनर सेक्टर का आर्क लेंथ कितना आया था? 2πr θ + 2πr θ/360। तो 2πr θ/360, ये तो तुम्हारा आर्क लेंथ निकल आएगा मेजर सेक्टर का। अब तुमसे कोई सर्कमफ्रेंस पूछ देगा मेजर सेक्टर का, तो क्या करेगा? सर्कमफ्रेंस, तो आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर प्लस, इसमें भी दोनों रेडियस आएगा। तो आर्क लेंथ, मेजर सेक्टर का आर्क लेंथ कितना था? 2πr θ, ये तुम्हारा जो दिख रहा है ऊपर, 2πr θ/360 - plus 2r। ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर। ये लॉजिकल चीज है, ये सब लॉजिक लगाओगे बनेगा। नहीं सोच पा रहे हो ये सब चीज, तो फिर मेहनत की जरूरत है तुम लोग को, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया फॉर्मूला सर या नहीं आया बताओ?
देखो पेरीमीटर फ्रेम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछ दिया तो क्या करोगे, ये सब लॉजिकल अप्रोच तुम लोगों को पता नहीं है, बट अब नहीं फंसना चाहिए। सिंपल सी बात थी यार, एक सर्कल है, सर्कल का थोड़ा सा लेंथ, ये आर्क लेंथ पता है, तो बाकी का लेंथ कैसे निकालोगे, तो मतलब क्या हुआ, इस पूरे सर्कल के बाउंड्री में से इतना लेंथ माइनस करेंगे, तो इस तरीके से सोचा करो ना चीजों को। डायरेक्टली फॉर्मूला से कुछ नहीं होता है, हर एक फॉर्मूला मेंसुरेशन का जनरेट किया गया है, लॉजिकली जनरेट किया गया, खुद ब खुद थोड़ी निकल के आ गया है। तो ये सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, सब ध्यान में रखना, कहीं भी फॉर्मूला थोड़ी तुमको याद करके रखना है, बस एक एक फॉर्मूला याद करना है, उससे ज्यादा तुमको ध्यान में रखना ही नहीं है। आर्क लेंथ निकाल लेना और आर्क लेंथ माइनस करते चले जाना, तुम्हारा मेजर सेक्टर का सब कुछ पता चल जाएगा। माइनर सेक्टर का पूछेगा तो माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला याद कर लो, वो तो हम तुमको याद करने का तरीका भी बता दिए हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से तुमको अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो वहां पे निकाल लेना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके फॉर्मूला से। मेरा बस था तो हम फॉर्मूला लिखा के सीधे आगे बढ़ जाते, लेकिन फॉर्मूले तक पहुंचना जरूरी होता है, कहां से उस फॉर्मूले तक हम लोग पहुंचे हैं। क्लियर हुआ है सब चीज, बताओ? यस सर। तो एक दो बार इस चीज को सुनो जा करके, कैसे निकल के आया, तुम लोगों को तो इतना अच्छा मौका है, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो एक दो बार सुना करो जा करके घर में, नहीं तो एक बार खुद से पलट के देखा करो आज क्या क्या पढ़े हो। चलो ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर दे रहे हैं, लिखाते वो सब तुम लोग बनाते चलना, साथ ही साथ इसमें हम ये भी बता देंगे मिनट हैंड आवर हैंड इन सब का कंसेप्ट इसमें थोड़ा थोड़ा आता है, उन सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन भी करते चलेंगे। ठीक है, हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, भगाने का कोई लफड़ा नहीं है, अपने पास बहुत टाइम बाकी है अभी, अगर अगले क्लास में नहीं खत्म हुआ कोई बात नहीं, उसके अगले क्लास में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन। अब इस पे हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं, तुम लोग बनाते चलो। पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन, ऐसे सेक्टर और सेगमेंट उतना हार्ड नहीं होता है, तुम लोग आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लिखो पहला, पहला तो एक बना जाओ सिंपल की, अगर सेंट्रल एंगल कुछ दे रखा है, सेंट्रल एंगल ले लो या चलो लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जब सेंट्रल एंगल 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया भी निकालो प्लस सर्कमफ्रेंस भी निकालो। एरिया तो निकाल ही लेना सेक्टर का, और तुम पेरीमीटर भी निकाल लो, माइनर, सिर्फ माइनर सेक्टर का करना, अभी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी निकालो, क्या होगा जब थीटा 45 है और रेडियस 28 है। पेरीमीटर भी निकालना और एरिया भी निकालो।
एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो 22 बाई 7, आर कितना हो जाएगा? 28 × 28 थीटा 45 और होल डिवाइडेड बाय 360, 4 से ये 90, 45 से ये 2 बार में 2 से ये 11, तो 28 × 11 280 और 28 कितना हो गया? 280 और 28 308 अब ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया? ये आ गया एरिया, पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर हम बोले हैं, तो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता था? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2। तो अब देखो यहाँ से कॉमन लिया करो, चीजों को आसान बनाया करो, 2 और r कॉमन ले लेना दोनों से, तो क्या बच जाएगा? पाई आर बाय 360 प्लस 1 कर लो और बना जाओ। रेडियस कितना है जी? रेडियस है 28, 2 × 28 प्लस पाई आर थीटा भी आएगा ना यहाँ पे, सॉरी पाई थीटा, पाई 2 और r तो कॉमन हो गया, पाई थीटा यानी 22/7 × 40/45/360 + 1 बना जाओ। यहाँ से तुम्हारा क्या क्या कटेगा? कुछ कटेगा? 45 से 360 देखो कटता होगा, कितने बार में कटता है बताओ तो जरा। 45 से 360, अगर उतना दिक्कत हो रहा है, 8 बार में ये जाता है, ठीक है, तो फिर इसको कर लेना 2 × 28 यानी 56 × 27 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 56 + 1 और यहाँ पे 56 कॉमन ही रहने देना, मल्टीप्लाई मत कर देना, इधर 56 22 प्लस 56, यहाँ से 56 और ये 56 कैंसिल, तो 6 × 2 = 8 और 5 × 2 = 7 78 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का पेरीमीटर कितना हो गया? 78 सेंटीमीटर। कॉन्फिडेंट यहाँ भी नहीं दिख रहा है तुम्हें, कॉन्फिडेंट ही बोलो 78 सेंटीमीटर नहीं, हम सोचने लगे थोड़ा सा। यूनिट लिखा करना, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, समझ में आया या नहीं आया? अरे आया, यस फॉर्मूला बेस्ड होगा इसका क्वेश्चन, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं रहता है, जो लॉजिकल कुछ क्वेश्चन है वो हम लिखा देते हैं अभी। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का बोल देता अगर तुमको इसी क्वेश्चन में, हम बोलते मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालो, तो क्या करता? इस माइनर सेक्टर के एरिया में से जो ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो सर्कल के पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देते, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाता ना, बताओ। यस सर, तकलीफ नहीं ना होगा? मेजर सेक्टर का एरिया पूछ देगा तो, हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे उस बेस पे, वो सब अब कर लोगे तुम खुद से। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आर्क लेंथ का भी फॉर्मूला लिखा दिए, उसको ध्यान में रखना। आर्क लेंथ क्या हो जाता है? तो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 360, 2 पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360, ये आर्क लेंथ होता है। और पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्वाइस ऑफ रेडियस ऐड करते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर हम तुमको, हाँ अब देखो, इसी क्वेश्चन में हम अगर आर्क लेंथ निकालने बोल देते तो आर्क लेंथ भी निकाल लेते ना, बताओ। अगर हम माइनर सेक्टर का, सिर्फ माइनर सेक्टर का आर्क लेंथ निकालने बोलते तो कर लेते ना, बताओ जी। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
लिखो तो हाँ, दिक्कत हो रहा है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर there are shown sectors of two concentric circles of radii 7 centimeter and 3.5 centimeter and 3.5 centimeter. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. In the given figure, there are shown sectors of two concentric circles. Figure is tarike se hai. सिर्फ सेक्टर दिखा दिया गया है, तो अब इसमें टेंशन थोड़ी लेना है, ये तो और भी आसान चीज है। ठीक है, एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है, दो सेक्टर हो गया। ठीक है, तुम लोग को लॉजिकली सोचना है। अब जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, वो क्या क्या माइनस कितना, तो ये जो सेंट्रल गैल है 30 डिग्री है। तुम लोग को पहले बताना है कि एरिया कैसे निकलेगा, क्वेश्चन कोई पहले बनाएगा नहीं। ठीक है, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये जो रेडियस है मतलब पहले वाले सर्कल का वो है 3.5 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। तुमको एरिया निकलना है, हम शेडेड रीजन बता दे रहे कौन सा है, ये है शेडेड रीजन। क्या करना पड़ेगा पहले ये बताओ मुझे इसका एरिया निकालने के लिए। सोच पाएगा तभी तो क्वेश्चन बना पाएगा। बताओ जी, हम तब तक इसको शेड करते हैं मजे से। सोचो और बताओ इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। एक मिनट दो मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। सर अगर पूरा का एरिया निकाल के छोटा वाला माइनस करें, पूरा का एरिया मतलब ये वाला पूरा सेक्टर का, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल के छोटे वाले सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। बढ़िया, अब ये चीज खुद से नहीं सोचेगा तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे ये सब आके। तो दो सेक्टर है यहाँ पे, एक सेक्टर है ये बड़ा वाला और एक है यहाँ पे एक छोटा सा सेक्टर है। ठीक है, तो तुमको यही इतना एरिया निकालना है। क्या होगा, तो इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लो पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 लगा के, और फिर इस छोटे वाले का निकाल लो, काम खत्म। अब पूरा सॉल्व मत करने लगना, तुम लोग देखो ये हरकत कभी नहीं करोगे आज के बाद। तो अब इसको क्या करना, दो दो रीजन दे देना, एक को A1 ले लेना और एक को A2 ले लेना। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ था, यहाँ पे A लिखा हुआ है, सॉरी O लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, यहाँ C और D। तो कि ए बड़े वाले सेक्टर के रीजन को, एरिया को A1 से डिनोट कर देना, से A1 से। तो A1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB ले लो, और A2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या, COD ले लेना। हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, कभी भी पूरा कैलकुलेशन मत करना,
अब A1 निकालो, A1 क्या लिखेगा, पायर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उसके लिए थीटा रेडियस कितना है, 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर इंटू 30/360, इतना निकाल के छोड़ देना, कैलकुलेट मत करने लग जाना। A2 निकाल लो, A2 है छोटे वाले सेक्टर का एरिया, तो पायर पाई आर, ये यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेना, इसको स्मॉल आर करो क्योंकि दोनों रेडियस डिफरेंट है 360, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू, अभी भी सेंट्रल एंगल वही है और 360 वही जाएगा। अब इसको हम शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। ये चीज आ रहा है ना, तो कभी भी, कभी हम आई थिंक लास्ट ईयर हम बताए थे ना कि कभी भी कैलकुलेशन स्टार्टिंग में नहीं करना, याद है तुम लोग को, हमेशा बोला करते थे कैलकुलेशन स्टार्टिंग में नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो A1 कितना था, पाई आर स्क्वायर, यानी आर है 7 का स्क्वायर है, तो पाई 7 का स्क्वायर थीटा, थीटा कितना था 30 अपॉन 360 माइनस पाई 3.5 का स्क्वायर 30/360। अब तुम लोग बीच में कैलकुलेशन करता तो बहुत टाइम खराब होता। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, पाई 30/360 कॉमन होगा, बचेगा क्या 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7, क्यों इसको करना, 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, ऐसे कर लो, यहाँ से कैलकुलेशन और भी आसान होगा। बस अब बना जाना, तो 22/7 इंटू 30/360 इंटू, एक तो हो जाएगा 7 माइनस 3.5 इंटू 7 प्लस 3.5, और अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो गया, 22/7 30/360 इंटू, 7 में से 3.5 गया तो कितना 3.5 और 7 प्लस 3.5 तो ये कितना हो जाएगा 10.5। अब इसको कैलकुलेट कर जाना, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना कितना होगा। समझ में आया या नहीं आया? 100 लिखा है क्या, 10 होगा सर। समझ में आया सबको, क्या बोल रहे? यस सर। तो क्वेश्चन देखो, अभी इस चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा तुमको, शेडेड रीजन का एरिया हर बार 2 मार्क्स वाले में और एक 6 मार्क्स, एक 4 मार्क्स वाले में इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है, और 2 मार्क्स वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा फॉर्मूले पे, और 4 मार्क्स वाले में शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन पूछेगा जो हम कराएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें तुम्हारे दिमाग पे सब कुछ डिपेंड करेगा, मेरे पढ़ाने पे वो दिमाग डिपेंड नहीं करेगा, तुमको शेडेड रीजन दे देगा, बोलेगा इसका एरिया निकालो, तो तुमको सोचना पड़ेगा ना क्या में से हम क्या माइनस करेंगे कि उस शेडेड रीजन का एरिया आएगा, वहाँ पे हम तुम्हारा हेल्प क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भले ही वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा देंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये माइनस करना होता है, बट वहाँ पे लॉजिकल तुमको सोचना होगा, क्वेश्चन देख करके फिगर देख करके तुमको सोचना होगा कि हाँ हमको किस किस का एरिया माइनस करना है, और हमेशा जितने भी रीजन होंगे उसके कुछ ना कुछ टर्म से हमेशा लिखा करना, जैसे इसमें हम 2 रीजन था ना, तो हम एक को A1 लिखो, एक को A2, एक को A2 लिखे, ऐसा करोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। रीजन डिफाइन कर लेना और रीजन का नाम लिख लिया करना कि इस रीजन को हम A1 लिए, इसको A2 लिए, तो इसका एरिया क्या होगा, तो A1 प्लस A2 या A2 माइनस A1 जो भी होगा, वहां से क्वेश्चन बनाने में तकलीफ कभी नहीं आएगा, तो इन सब पॉइंट को दिमाग में रखना आपने, ठीक है। ये तुम्हारा था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन और बच रहा है तो हम कराते हैं। लिखो तो एक क्वेश्चन और, ये हो गया, लिखो थर्ड, एन आर्क ऑफ अ सर्कल
an arc of a circle is of length 5 pi centimeter and sector and area of sector is 20 pi centimeter square. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. An arc of a circle is of length 5 pi centimeter and area of sector, मतलब area of sector किसका? उसी arc length से बनता हुआ जो area है ना, उसका एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तुमको रेडियस निकालना है, निकालो. सर वहां पे 5 पाई. हाँ 5 पाई सेंटीमीटर. जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है. अब इस सेक्टर का नाम दे देना ओएवी. इस सेक्टर का एरिया दे दिया, इस सेक्टर का पाई लेंथ, ये आर्क लेंथ भी दे रखा है. तुमसे रेडियस पूछा गया, निकाल कितना होगा. तब तक हम बुकलेट आज देखते हैं, कुछ होमवर्क देंगे आज. एग्जाम वाला कोई बच्चा नहीं है ना जिसके स्कूल में एग्जाम हो? सर है सर. तेरा डेट वेट अभी कुछ नहीं आया, जब डेट आएगा तब बात. आया है डेट सर? आया है 10 अक्टूबर. यस सर. कौन स्कूल है तेरा? कौन सा स्कूल है? एमजीएम. अच्छा एमजीएम से हो, तो हो गया तैयारी? यस सर, हो ही रहा है. चलो बनाओ, इसको बनाओ. 10 अक्टूबर बोले तो एक सप्ताह टाइम है तुम्हारे पास. है बनाओ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे, फिर फायदा क्या पढ़ा के होमवर्क नहीं देंगे. प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना. कहाँ गया जी टेलीग्राम डॉक्यूमेंट? फाइल पिन कर दिए हैं, वही फाइल है जिसमें तुम्हारा इसका भी कुछ ये भी दे रखा है, ये बुकलेट. बनाओ ये क्वेश्चन, हम तब तक बुकलेट से कुछ क्वेश्चन देते हैं. ये सब तो सेड डिविजन के क्वेश्चन है.
बन जाता है तो बताना। बना या नहीं बना? सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाइए ना। सर 8 सेंटीमीटर। कितना? 8। आठ। हाँ हाँ बढ़िया। बाकी बना किसी से? तब फाकी मारने आ जाया क्लास में। मना जी, रहे एरिया ऑफ सेक्टर है 20 पाई सेंटीमीटर, आर्क लेंथ दे रखा है 5 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर को तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया कितना दे दिया है? 20 पाई दिया है। तो मे भी यहां से ये सेंट्रल एंगल तो यहाँ पता है नहीं। पता है क्या सेंट्रल एंगल? क्या? नो अरे सर। 20 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ से पाई और पाई कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो ये रेडियस कितने के बराबर आएगा? पहले वाले इक्वेशन से रेडियस क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा 20 × 360 अब डिवाइडेड बाय थीटा। होगा या यस नहीं होगा बताओ? तो ये तो हो गया, इस इक्वेशन का यूज किया। अब दूसरा इक्वेशन यूज कर लो तुम, इसका आर्क लेंथ का। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? आर्क लेंथ क्या होता था जी? 2 पाई आर थीटा आर अपॉन थीटा 360। 360। और आर्क लेंथ कितना दिया है? 5 पाई दिया है। तो 5 पाई इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यहाँ से पाई और पाई कैंसल, यहाँ से भी आर निकाल लो, क्या होगा? यहाँ से आर क्या हो जाएगा? 5 इंटू
360 डिवाइडेड बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, सिंपली डिवाइड कर देना। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू 20 था ना ये, हाँ 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाय थीटा, और होल इक्वेशन डिवाइड किससे हो जाएगा, 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा, 2 थीटा। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, एक आर खत्म हो जाएगा, 360 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से थीटा भी खत्म हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से ये 4 ना 8, तो आर कितना 8 सेंटीमीटर। पल्ले पड़ा कुछ या नहीं पड़ा बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दे और की छोड़ दे आज के लिए बता, और क्वेश्चन करना है। अगले क्लास में हम लोग सेगमेंट का एरिया पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। आज तो एरिया ऑफ सेक्टर पे, आज तो हम सोचे थे सेगमेंट शुरू कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाए हैं। दे क्वेश्चन दे दीजिए। चलो होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। देखो शेडेड रीजन का हम पूरा का पूरा इस पैकेज का क्वेश्चन बनवाएंगे तुम लोग से। देख लो यही सारे क्वेश्चन हम शेडेड रीजन के क्वेश्चन होंगे। अब ये सब क्वेश्चन तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि हम इसमें किसका एरिया प्लस करें, किसका एरिया माइनस करें। जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा सोच के बताओ। तुम लोग क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकालेगा, और ये देखो ये जो छोटा छोटा चार पार्ट दिख रहा है, जो चार दिख रहा है वो क्या है, वो चारों क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हो जाएगा। एक दो तीन चार, तो क्या करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया निकाल के, एरिया निकाल के माइनस क्वाड्रेंट का एरिया, चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करोगे। तो ये सब तुमको सोचना है, हम थोड़ी बताते रहेंगे ये सब चीज। ये सारा क्वेश्चन हम जैसे इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर देंगे। 36 थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें क्या करें नहीं करें। अब देखो ये 35 है, इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो क्या करेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेगा, उसमें से क्या कर लेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके बताओ, वही तो बोलो, दो सर्कल, तीन सर्कल का एरिया निकालना है। तो तीसरा पूरा है कि सेमी सर्कल है, तीसरा सेमी सर्कल है, तो दोनों सर्कल का एरिया निकाल लेना और तीसरा सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेना, वहां से काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सोचना। ये क्वेश्चन देखो 34 अनशेडेड रीजन का निकालना ना, उसमें से शेडेड रीजन का निकालना है हर जगह। अनशेडेड लिखा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड, कौन सा क्वेश्चन देख रहा है जी तुम, 35 नंबर। अच्छा 35 में तो अनशेडेड है, 35 में तो शेडेड पूछ देता तब तो ये आसान सा क्वेश्चन था। 34 देखो, तो ये सब खुद से बनाना, ये सब आएगा अगले क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली हम ये सब चीज शुरू कर देंगे। बट आज जो होमवर्क है वो मार्क करो तुम लोग और बना करके आइयो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम बोलेगा होमवर्क देने के लिए, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ये नहीं बन जाएगा, 2 मत बनाना। थ्री, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर, ये इसको भी बनाने का नीड नहीं है। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15, ये भी बन जाएगा। पहला कर लेना क्वेश्चन नंबर 1, मार्क करते चलो। 1, 2, 3, 4 मत बनाना, वो सब आसान सा क्वेश्चन है। 5 नंबर, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इतना दे रखा है, इसका रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है। पेज नंबर 77, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, छोड़ो ये बना जाएगा। सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। कहाँ गया, 5 नंबर देख रहे थे, 5 नंबर में बोल रहा है सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तुमको रेडियस निकालना है, तो निकल जाएगा ना।
बताओ, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, वो भी हो जाएगा इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ सर्कल इफ द रेडियस इज डबल। अब जब इसका रेडियस डबल हो जाएगा तो एरिया में क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेना। तो फाइव नंबर अगर बनाना है तो फाइव का सिर्फ और सिर्फ सी बनाना, फाइव का थर्ड बना लेना, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड क्या फाइव पूरा ही बना लेना। सिक्स नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप बाय विच अ कॉम मस्ट बी, ये छोड़ देना। सेवन, द एरिया ऑफ सर्कल इज इतना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये मत बनाना, ये कर लोगे तुम। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लेट ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, बन जाएगा या नहीं बनेगा? आठ नंबर भी बन जाएगा। नौ नंबर देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर मेटालिक प्लेट इज इतना, कैलकुलेट द, तो नौ नंबर बनाना है, बना जाना नौ नंबर। दस नंबर कर लेना, फिर 11 नंबर हम करा दिए थे, याद होगा तुमको, कॉपर वायर बिन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया, तो 11 नंबर भी कर लेना एक बार। 12 नंबर छोड़ देना, दोनों सेम नहीं, 12 नंबर भी बनाना। हर एक क्वेश्चन हम थोड़ी तुम लोग कराएंगे, जो नहीं बनेगा अगले क्लास में पूछ लेना, लेकिन बना के आना, नहीं बना करके आएगा तो फायदा क्या देने का। 13 नंबर, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इतना, कैलकुलेट इस रेडियस इट्स एरिया द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इतना, 13 नंबर भी कर लेना। 13 का तीन बना लेना, 13 का पूरा ही बना लेना, छोड़ो द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ये हो जाएगा 14, फिर 15, 16, मतलब बन जाएगा आसानी से, ये सब बना लेना। 17 नंबर जरूरी है, 17 कर लेना, 18 कर लेना, 19 करवा रखे थे लेकिन 19 भी कर लेना, 20 में ये है सिलेबस में, 20 भी कर लेना। हाँ नो सर, नहीं है, 21, 22, द एरिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज, ये सब बना लेना अपने से जब ये, बाकी लोग तो अभी फुर्सत में ही है ना जी, अगला क्लास तो मेरा सैटरडे को है, तो आराम से बनाना ये सब क्वेश्चन जा करके घर पे, जितना बनाओ इतना ही दिए, ज्यादा दिए भी नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 1, 14 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख लो। द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये करके आना तो देखते बनता है नहीं तुम्हें, 26 और 27 करके आना। पच्चीस आराम से कर लेगा, 25 में देखो एरिया दे रखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ये रीजन का दिया है, रिंग का एरिया दिया हुआ है, तुमसे सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल बोला है, तो ये भी बना लेना। चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन बना करके आना, सेक्टर वाला क्वेश्चन एक भी हम आज नहीं दिए हैं, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेक्टर बनाना वाला भी आसान है, हम बोले तो थे कि इसमें दिक्कत करता है जो हम पहला लेक्चर में जो भी क्वेश्चन कराए थे, और आज के लेक्चर में एरिया ऑफ सेक्टर के पहले हम जो क्वेश्चन कराए थे उन सब में लॉजिकल क्वेश्चन मिलेगा, बाकी एरिया ऑफ सेक्टर में तुमको लॉजिकल क्वेश्चन नहीं मिलता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, थीटा दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, सेक्टर का एरिया निकालना है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन जो लेक्चर वन पढ़ाए थे और लेक्चर वन के अलावा आज जो थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस किए, व्हील वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जरूरी होता है बनाना, इन सारे क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, एरिया ऑफ सेक्टर में दिक्कत नहीं आएगा, हमारे पास टाइम है, हम अगले क्लास में एरिया ऑफ सेक्टर का कुछ क्वेश्चन और रह गया वो कराएंगे, प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट तुम लोग को हम सिखा देंगे अगले क्लास में, और उसके अगले क्लास में फिर हम लोग मूव करेंगे किस चीज पे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के एरिया निकालने पे, तो वो उस पर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं, उस पर तुमको खुद से क्वेश्चन करना है ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सोचने के एबिलिटी पे उसका क्वेश्चन डिपेंड करता है, हम सब क्वेश्चन करा देंगे, जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा हम वो करा देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको खुद से बनाना है, ठीक है,
तो दो लेक्चर में ये चैप्टर फिर ओवर हो जाएगा और उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, क्योंकि तो इसके बाद तुरंत मेंसुरेशन शुरू करेंगे तो बोरिंग लगेगा, ये भी कैलकुलेशन का चैप्टर, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन का चैप्टर, उससे अच्छा हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो जितना होमवर्क दिए करके आना, इतना क्वेश्चन जरूरी है बनाना ये सब, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हम तुम लोग को दिए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर वाला क्वेश्चन अगले क्लास में हम जितना कराएंगे कर लेना, एरिया ऑफ सेक्टर में कोई झंझट नहीं होता, एरिया ऑफ सेगमेंट में भी कोई झंझट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान में रखो और फिर अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।